नमस्कार, स्वागत है आपका जन्नत की पुकार में। आउटर जिले की पुलिस ने अवैध शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही 10,000 क्वार्टर शराब बरामद हुई। आउटर जिले की एंटी ऑटो थेफ्ट स्क्वाड की टीम ने अवैध शराब तस्करी में शामिल एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है। टीम ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है और उसके पास से 200 कार्टन अवैध शराब और अपराध में इस्तेमाल किया गया एक वाहन बरामद किया है। पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज किया और जांच शुरू की। एंटी ऑटो थेफ्ट स्क्वाड आउटर जिले की टीम ने इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार के नेतृत्व में सब इंस्पेक्टर राजकुमार, दीपक, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर शक्ति, हेड कांस्टेबल दीपक, अमित कलकल, मोहित, सुनील शोकेन और सुनील मोगा शामिल थे। आउटर एडिशनल DCP अमित वर्मा ने बताया कि टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि अवैध शराब की तस्करी टिकरी बॉर्डर के पास हो रही है। सूचना मिलने पर टीम ने तुरंत कार्रवाई की और टिकरी बॉर्डर पर जाल बिछाकर एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया। उसकी पहचान अजीत के रूप में, उसके पास से 200 कार्टन अवैध शराब जिसमें 10,000 क्वार्टर और एक टाटा एस वाहन बरामद किया गया। पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज की। आरोपी को गिरफ्तार किया गया और सभी बरामदगी जब्त की गई। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि वह आलीशान जीवन जीने और आसानी से पैसा कमाने के लिए अवैध शराब की तस्करी करता था। एक बड़ी रिकवरी को अंजाम देते हुए हमारे जो एंटी ऑटो थेफ्ट स्क्वाड है, हमारे ACP साहब और इंस्पेक्टर साहब दोनों ने लीडरशिप दिखाई उसमें और टीम को गाइड किया। और इसमें मुखबिरी के तौर पे सीक्रेट इन्फॉर्मेशन के आधार पे हमने 10,000 क्वार्टर्स शराब पकड़ी है और वो गाड़ी जो इसको लेके जा रही थी उसको भी हमने सीज किया है। तो ये इस साल की काफ़ी बड़ी वो है धरपकड़। ये हरियाणा से आ रही थी और इसको सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट एंड वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के जो स्लम एरिया है झुग्गी उनमें सप्लाई के लिए भेजा जा रहा था। तो हमने इसमें एक आदमी अजीत नाम का व्यक्ति गिरफ्तार भी किया है। इसमें अदर लोग बाग जो इन्वॉल्व हैं, क्योंकि पूरी गैंग है, एक अकेला आदमी ये काम कर नहीं सकता, तो इसमें जो लोग बाग इन्वॉल्व हैं उनको हमने आइडेंटिफाई कर लिया है। हम अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकते क्योंकि हमारी टीम उनके पीछे है, तो सजग हो जाएंगे, भाग जाएंगे। तो इसलिए हमने सभी को आइडेंटिफाई कर लिया और हमारी कोशिश है कि जल्दी से जल्दी उनको पकड़ा जाए। देखो मैं अभी मैं आपको एग्जैक्टली डेटा नहीं दे सकता कि कितने लोग, लेकिन हाँ निश्चित रूप से मोर देन वन आदमी इन्वॉल्व है इसमें, क्योंकि एक अकेला आदमी इतना सब कुछ ऑर्गेनाइज भी नहीं कर सकता। और ये जो आ रही थी शराब, ये हरियाणा से आ रही थी। आरोपी का कोई एक बार उसका थोड़ा हमको वेरीफाई करना है अभी, क्योंकि अभी तक एग्जैक्टली उसका पता नहीं चला है कि इसके कोई प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।